हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। गाइस, आज का वीडियो भाई कुछ अलग और कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ भाई आज कैसे WCC3 PC में डाउनलोड करें और फिर भाई कैसे उसको खेल सकते हैं PC के अंदर। भाई तो चलो बिना किसी देरी के भाई करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स गो गाइस। आपको मेरे PC में दिख रहा होगा ये ऐप भाई BlueStacks 5, ठीक है, इसी को करना आपको डाउनलोड, जिससे कि भाई आप PC में भाई सारे एंड्रॉयड वाले गेम खेल सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा भाई, सबसे पहले अपने को जाना होगा भाई क्रोम ब्राउजर में अपने, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में आ जाने के बाद हमें सिंपली गाइस सर्च करना है BlueStacks, ठीक है, क्योंकि मेरे हिस्ट्री में ऑलरेडी है, तो आपको दिख रहा होगा ग्रीन येलो भाई यही वाला, ठीक है। आ जाने के बाद सबसे पहले में आपको दिख जाएगा भाई BlueStacks, ठीक है, ये दिख रहा है ना ग्रीन येलो और रेड कलर का कुछ है ना भाई, और इस पे लिखा हुआ भाई एंड्रॉइड एमुलेटर एंड क्लाउड। इसके अंदर चले जाना भाई आपको, इसके अंदर आ जाने के बाद आपको दिख रहा होगा भाई डाउनलोड BlueStacks 10, डाउनलोड BlueStacks 5 और सी ऑल वर्जन। भाई आप देख लेना अपने हिसाब से आपका विंडोज 11 12 उसी हिसाब से भाई जो आपके लिए बेस्ट होगा आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन भाई मेरा विंडोज 11 है, तो भाई हमें क्या डाउनलोड करना है, सीधे बैक आता है भाई, हमें डाउनलोड करता है BlueStacks 5, ठीक है, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो भाई मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको कैंसिल करते हैं, और भाई आप लेकिन कैंसिल मत करना, आप डाउनलोड करने के बाद आपको पता ही होगा भाई कैसे इंस्टॉल करना, आप अगर PC चला तो भाई तो उसको इंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करने के बाद भाई अब चलते हैं अपन BlueStacks के अंदर, ठीक है। सबसे पहले भाई BlueStacks को खोल लो, और भाई BlueStacks को खोलने के बाद भाई आपको शायद लॉग इन के लिए मांगेगा भाई Gmail या किसी और चीज से, भाई ईमेल या फेसबुक से आप लॉग इन कर लो भाई। उसके बाद भाई आपको दिख रहा होगा सामने भाई WCC3, प्ले स्टोर, फ्री फायर, सारे आपको ऐप मेरे दिख रहा होगा भाई सामने, लेकिन आपको ये नहीं दिखेगा अगर आप नया नया डाउनलोड करोगे तो। आपको सिंपली क्या करना है भाई, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर और अदर सारे दिख रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं करना, यहाँ सर्च दिख रहा है वहाँ पे भाई, सर्च मारो सीधे प्ले स्टोर भाई, सिंपल सा बात भाई, इधर उधर कहीं जाना, सीधे सर्च मारो प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर सर्च मारने के बाद भाई आप आ जाओ प्ले स्टोर के भाई एकदम ऐप पे, ठीक है। और यहाँ पे भाई आपको करना अपना Gmail से लॉग इन, आप कर लो, और उसके बाद यहाँ पे आप सीधे सर्च मारो भाई WCC3। ये रहा भाई मेरे सर्च इंजन में आपको दिख रहा होगा भाई WCC3 मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं खेलता भी हूँ, लाइव भी करता हूँ। अगर आप उसके लिए भाई सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना, ठीक है, अभी तक अगर आपने नहीं किया था भाई फटाफट से कर लेना। चलो भाई अभी फिलहाल अपना मेन टास्क क्या है भाई, अभी इसको डाउनलोड करने के बाद भाई आप कर रहे हो इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद भाई आपको भाई जब दोबारा से BlueStacks 5 खोलोगे आपको दिख जाएगा भाई सामने में WCC3, उस पर क्लिक करो और भाई गेम को खोलो, ठीक है। और गेम को खोलने के बाद करना है लॉगिन, अगर वो भी नहीं पता कैसे करता है वो मैं बता दो, लेकिन उससे पहले भाई एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, जिससे अब तक लाइक नहीं किया भाई फटाफट से गाइस लाइक ठोको, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऑल पे दबाओ, और भाई कुछ अगर सजेशन और कुछ पूछना है तो भाई कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख डालो भाई जल्दी से बिना किसी देरी के। और चलो भाई मेरा गेम लॉगिन हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो भाई लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, लेकिन भाई मैं एक बार लॉग आउट करके भाई आपको दिखा देता हूँ लॉगिन करना कैसा है, ठीक है। यहाँ पे चलता है, ये ID पे क्लिक करेंगे भाई, मैं यहाँ जाता हूँ साइन आउट पे, साइन आउट करने के बाद भाई यहाँ पे आ जाएगा मेरा ऑप्शन, देख रहा हूँ लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, और भाई गेस्ट, एज ए गेस्ट भाई आप देख सकते हो तो क्या क्या तीन ऑप्शन मिलेंगे भाई, आप भाई तीनों में से किसी एक में भाई लॉग इन कर सकते हो अपने इच्छा से। लेकिन भाई क्योंकि भाई गूगल प्ले गेम्स आई थिंक ऑलरेडी इंस्टॉल रहा था भाई विंडोज में, तो भाई आप गूगल से ही लॉग इन कर लो, इजी रहेगा भाई, गूगल प्ले गेम्स में आप लॉग इन करो तो भाई अगर नया आईडी है तो आपको मिल जाएगा, पुराना आईडी तो फिर से वही रिएक्टिव हो जाएगा भाई PC में। लेकिन देखो लॉग इन करने के बाद सबसे बड़ा बात आता है भाई गेम को खेले तो खेले कैसे, आप आए तो उसी कारण से भाई, मेनली यही कारण है भाई गेम को खेले कैसे PC में, डाउनलोड भी कर लोगे आप भाई फिर इंस्टॉल भी कर लोगे, लेकिन भाई उसको खेले कैसे, सारे चीजें करने के बाद खेलना तो मेरे ना भाई, आपको एंजॉय तो भाई गेम प्ले करना है, तो उसके लिए भाई चलते हैं भाई सीधे किसी गेम प्ले मोड पे, ठीक है, और वहां जाके मैं आपको दिखाता हूँ गेम को आखिर खेलना कैसे, ठीक है। लेकिन उससे पहले भाई आपको अगर कोई और क्वेश्चन हो, जैसे भाई ये जो है ना कीबोर्ड कैसे सेट करें, बटन कैसे सेट करें, वो अगर आपको पूछना है भाई उसका अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ भाई, मैं उस पर भी एक वीडियो डाल दूंगा भाई, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं अपने गेम प्ले पे और दिखाता हूँ भाई मैं कि गेम खेलना कैसे है, सबसे बड़ा बात तो वही है भाई, इंजॉयमेंट तो आपको गेम ही करना है एट द एंड ऑफ द डे भाई, तो वह करते हैं भाई मैच को करता है फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट, लेट्स गो गाइस। सबसे पहले भाई करते हैं मैच को स्टार्ट, और तुम्हारा भाई आज पहले बैटिंग करे, ठीक है, बैटिंग करके दिखाता है भाई, बैटिंग सबसे ईजी है भाई, देखो क्या है भाई, मैंने भाई बैट के शॉर्ट सिलेक्शन जो है, ठीक है, वो भाई मेरा माउस से होता है, और भाई मेरे बटन से सारे भाई कीबोर्ड पे सेट किया कि कौन सा टैप करे भाई
क्या लगेगा या फिर लॉफ्ट होगा, वो सारे भाई मैंने बटन सेट करके रखे हैं भाई। अभी मैं आपको एक शॉट का भाई नमूना भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, मैं एक लॉफ्टेड शॉट मारूंगा भाई, इसका मेरा बटन ऑलरेडी सेट किया हुआ भाई, और ये लगा 6 भाई, बहुत ही लंबा, आउट ऑफ द स्टेडियम, ठीक है। और आपको भी जानना है कि ये बटन्स मैंने कैसे सेट किए, तो भाई मेरे को कमेंट बताओ, मैं उसके लिए भी एक अलग सा वीडियो भाई आपके लिए डाल दूंगा, ताकि भाई आपको ये बहुत ही सिंपलीफाई वे में समझ में आ जाए भाई, ठीक है। और अभी भाई चलते हैं बॉलिंग पे, ठीक है। बॉलिंग तो भाई सबसे ज्यादा इजी है भाई, बॉलिंग के लिए कोई बटन ही सेट नहीं करना भाई, सिंपल है। आप एकदम भाई अपना एक कुछ कुछ बटन सेट कर लो, बाकी बात भाई अपना भाई माउस से ही सारा का सारा काम हो जाता है यहाँ पे। तो भाई बॉलिंग के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना भाई, माउस यूज करो, माउस से भाई आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरा लाइव देख लो भाई, लाइव में आपको दिख जाएगा मैं करता कैसे हो भाई। चलो गाइस, आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा भाई। अगर आपको उससे कुछ भी वैल्यू मिला तो भाई लाइक करो, नए तो भाई सब्सक्राइब करूंगे। सब्सक्राइब करने में भाई आपको मेरे चैनल भाई लाइव स्ट्रीम्स भी देखने को मिलेंगे भाई हर रोज, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई, और बेल आइकन ऑल भी करना तो और भी जरूरी है भाई। चलो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नाउ।